वीडियो देख रहे हैं सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां पर हम कर रहे हैं जनरल स्टडी। जनरल स्टडी की सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है पॉलिटी की, और पॉलिटिकल में ही हमारी सीरीज है जो आर्टिकल्स की सीरीज में हम आज कर रहे हैं संविधान का भाग दो, जिसमें नागरिकता के बारे में वर्णन है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक संविधान का भाग दो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, जो है नागरिकता। नागरिकता शब्द का वर्णन सबसे पहले अरस्तु नाम के व्यक्ति ने किया था। उसने बताया था कि कौन लोग नागरिक होते हैं, कौन विदेशी होते हैं, तो उसका वर्णन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान, वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। याद रखिएगा, बी से ब्रिटेन, बी से भारत, यानी कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कई देशों में क्या होता है, कई देशों में दोहरी नागरिकता होती है, परंतु भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? हमारे पास सिर्फ एक ही नागरिकता है, भारत की नागरिकता। जैसे हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका में दो नागरिकताएं हैं। दो नागरिकताएं कैसे? एक नागरिकता वो जो उनका स्टेट उनको देता है, स्टेट यानी कि जिस राज्य में है, और एक नागरिकता उनको उनके देश की तरफ से मिलती है। परंतु भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में कनाडा की तरह क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप, अगर किसी को भारत की नागरिकता चाहिए तो वो पांच तरीकों से, कितने तरीकों से? पांच तरीकों से, पांच तरीकों से भारत की नागरिकता ले सकता है। जन्म से वो भारत का नागरिक हो सकता है, या फिर वंश के आधार पे वो भारत का नागरिक हो सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा के भारत का नागरिक बन सकता है, नेचुरलाइजेशन से, देशीकरण से भारत का नागरिक बन सकता है, या फिर अगर किसी क्षेत्र पर भारत अधिकार कर लेता है, क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, तो वहां के नागरिकों को भी नागरिकता भारत का संविधान प्रदान करता है। तो इस नागरिकता के संबंध में पांच है। अगर नागरिकता छीनने की बात करें तो नागरिकता को किन तरीकों से खोया जा सकता है? तीन तरीकों से नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। कैसे? एक है बाय रिनंसिएशन। मतलब क्या है बाय रिनंसिएशन का? मतलब है कि वह व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर देता है। दूसरा क्या है? दूसरा है टर्मिनेशन, यानी कि वो उसको उसकी नागरिकता को खो देता है। और तीसरा होता है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब होता है कि उसको उसकी नागरिकता से क्या कर दिया जाता है? वंचित। वंचित क्या? अगर उसने नागरिकता को अवैध तरीके से प्राप्त किया हो, अगर उसने नेचुरलाइजेशन यानी कि तीन और चार तरीकों से नागरिकता ली हो, और अगर इस दौरान उसको 2 साल की कैद हो जाए तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। परंतु अगर वह 7 साल तक भी भारत से बाहर रहता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता, नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है। तो इसके संबंध में जो मोस्टली क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों के बाद अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले हम करते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है? हमें यह ध्यान रखना है कि जो भारत के संविधान का भाग दो है वो नागरिकता के विषय में बात करता है, जरूर करता है, परंतु यह सिर्फ उस समय की बात करता है, उस समय की स्थितियों के बारे में बात करता है जिस समय पर भारत का संविधान लागू हुआ था। उस समय तक कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ये भारत के संविधान के भाग दो में दिया गया है। बाकी की जो शक्तियां हैं, पावर हैं, वो किसके पास हैं? संसद के पास हैं। यानी कि आगे आगे कब? 1950 के बाद जो हमारे पास सिटीजनशिप से रिलेटेड जो बातें होंगी, उनको उनके लिए कानून लाना, उनके विषय के संबंध में बातें करना, वो सब शक्तियां किसके पास हैं? पार्लियामेंट के पास हैं। तो 26 जनवरी 1950 तक, यानी कि जो अनुच्छेद 5 है वो क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कब तक? 26 जनवरी 1950 तक वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, या तो वह खुद भारत में पैदा हुआ हो, या फिर उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों, माता पिता भारत में पैदा हुए हों, या फिर संविधान लागू होने से 5 साल पूर्व से, 5 साल पूर्व यानी कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले से वह भारत में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। ये वही प्रावधान है श्रीमान जिसके आधार पे एनी बेसेंट को नागरिकता मिली थी। एनी बेसेंट कौन? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। उनको नागरिकता मिली थी किसके आधार पे? इसी आधार पे, क्योंकि वो कहाँ की रहने वाली थी? वो आयरलैंड की रहने वाली थी, और आयरलैंड की लेडी को नागरिकता मिली थी क्योंकि वो संविधान लागू होने से
5 साल पहले से भारत में रह गई थी तो उनको नागरिकता मिल गई थी। यह हमारा आर्टिकल 5 है जो सिर्फ जन्म की बात करता है और संविधान लागू होने से 5 साल पहले की बात करता है। अब करते हैं हम अनुच्छेद 6। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 बात करता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ गए, कब ये बात करता है, उसी समय की, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने के समय तक की ही बातों को भाग दो कवर करता है। ये क्या कहता है कि पाकिस्तान से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कौन? एक तो उसमें जो पांच अनुच्छेद 5 वाली जो योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए, यानी कि या तो वो खुद जन्मा हो या उसके माता पिता या वंशज अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। और एक शर्त क्या रख दी गई, एक शर्त ये रख दी गई, एक तारीख तय कर दी गई, 19 जुलाई 1948, एक तारीख तय कर दी गई। यानी कि ये हुआ कि आप लोग अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आते हैं या 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत में आते हैं तो आपको नागरिकता मिलने के लिए किस किस प्रोसीजर की, किस किस प्रावधान की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान 6 दिया गया है। यह क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो अनुच्छेद 5 की शर्तों को पूरा करता है और उसके साथ साथ अगर 19 जुलाई 1948 से पहले से भारत में आ जाता है तो वह भारत का नागरिक होगा, नो डाउट। परंतु अगर वह इसके बाद में भारत में आता है तो उसको एक काम करना होगा, उसको अपना एप्लीकेशन पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एक ऐसे अधिकारी के पास जिसको भारत सरकार ने नियुक्त कर रखा है नागरिकता के विषयों में नाम दर्ज करने के लिए। ऐसे अधिकारी के पास नाम दर्ज करवाना पड़ेगा और उस नाम पे दर्ज करवाने के बाद ही वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। परंतु कब? वह तब समझा जाएगा जब वह अपना एप्लीकेशन देने के 6 महीने पहले से, कितने 6 महीने पहले से, 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। यानी कि 6 महीने की शर्त है, उसको 6 महीने पहले से भारत में रहना पड़ेगा। और आर्टिकल 6 में ये बात दी गई है, 6 महीने की शर्त है, ये तारीख तय कर दी गई पहले की और बाद की। और पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में आए हैं, यानी कि इनफ्लो की बात कर रहा है ये, उसके बारे में अनुच्छेद 6 बात करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 बात करता है कि ऐसा है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग इधर चले गए और कुछ लोग उधर चले गए। तो कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान और कुछ पाकिस्तान से भारत हो आ गए थे। तो इन्हीं के संबंध में आर्टिकल 6 और 7 में बात की गई है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है, कहां? पाकिस्तान चला गया है, परंतु एक तारीख तय कर दी गई, कब? यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर वह पाकिस्तान चला गया है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी कि सबको पता है कि भारत का जो बंटवारा हुआ था वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में, जून 1947 में हुआ था। और तारीख आप लोग मेंशन करके बताइएगा, लोगों को पता लग चुका था कि भारत के दो हिस्से होने वाले हैं, दो बंटवारे होने वाले हैं, भारत और पाकिस्तान। तो उस समय कुछ लोग क्या थे, पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, यानी कि जो हिस्सा, जो क्षेत्र पाकिस्तान में गया था उसमें शिफ्ट हो गए और कुछ भारत में आ गए। तो भारत का संविधान क्या कहता है कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान में चले गए तो आप भारत की नागरिकता को खो देंगे। और उसी के साथ साथ कि हाँ, भारत की नागरिकता को आपने खो दिया, परंतु पाकिस्तान में जाने के बाद आपको एहसास हुआ कि ये देश हमारे रहने के लायक ही नहीं है, इंडिया में ही हमें रहना चाहिए, और आप हो गए कि हम भारत में जाके भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने ये भी प्रावधान कर रखा है कि जो उसके बाद, यानी कि सुबह का बुला हुआ अगर शाम को घर आ रहा है तो उसको नागरिकता कैसे देनी है, उसको नागरिकता बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगी, उसी शर्त पे। कौन सी वाली शर्त पे? यानी कि जो हम पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद में आने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली नागरिकता के संबंध में बात की जाती है। और इसी के साथ आर्टिकल जो 7 है इसमें यह भी प्रावधान किया गया, इसमें एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया। क्या लागू कर दिया गया? परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम का मतलब क्या है कि अब आपको अगर भारत में आना है तो भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति जो परमिट देता है, प्रार्थना पत्र आपका स्वीकार करता है, उससे परमिट लेके ही आप भारत में आ सकते हैं। यानी कि 6 और 7 किसकी बात करता है? भारत की आजादी के बाद होने वाले
बंटवारे में पाकिस्तान और भारत में जो शिफ्ट हो गए हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, 6 और 7 में बात की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 8 में हम पढ़ेंगे कि विदेशी लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है। विदेशी का मतलब क्या है कि जिस टाइम पे भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, बहुत व्यक्ति ऐसे थे जो भारत से बाहर रह के, विदेशों में रह के भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ऐसे लोगों की नागरिकता के प्रावधान भी भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं कि विदेशी लोग हैं जो 1950 तक ऐसे लोग थे उनको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। देखो, एक तो उनपे शर्त लागू होती है अनुच्छेद 5 वाली, यानी कि या तो वह खुद या उसके माता पिता कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, एक बात तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, परंतु एक शर्त के साथ। शर्त क्या थी कि जो विदेशी भारतीय है यानी कि विदेश में रह रहा है उसको अपना नाम दर्ज करवाना पड़ेगा कौंसुलर के पास। कौंसुलर का मतलब क्या है कि भारतीय सरकार द्वारा विदेश में एक प्रतिनिधि होता है जिसको कौंसुलर बोलते हैं, उसके पास आपको अपना नाम दर्ज करवाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का ये डाटा रह सके कि आप भारत के रहने वाले हैं, तभी आप भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। विदेशी नागरिकता भारत के लिए बहुत जरूरी थी संघर्ष के मामले में भी, और अगर हम आज इकोनॉमी की भी बात करें तो विदेशियों को नागरिकता देने में बुराई ही क्या है, क्योंकि जितने ज्यादा विदेशी भारत की नागरिकता लेंगे और जो विदेशी इतने पैसे कमा रहे हैं, भारत में इनफ्लो बढ़ेगा, यानी कि विदेशी ऐसे विदेशी जिनके पास पैसा है उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये था अनुच्छेद 8 जो विदेशियों को नागरिकता देने की बात करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। आर्टिकल 9 बात करता है उन लोगों के बारे में जिन्होंने स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर दिया है। स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसने विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है, यानी कि खुद की मर्जी से नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमने आखिरी सलाम कर दिया है क्योंकि इन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है। यानी कि हम अगर बात करें UPSC की, तो ना तो ये प्रावधान 5, ना ये 6, ना ये 7 ऐसे किसी प्रावधान में, और ना ही 8 के प्रावधान में ये लोग आते हैं नागरिकता लेने के संबंध में। कारण ये है कि इन्होंने भारत की नागरिकता को उस समय पे छोड़ दिया था जिस समय पे भारत की नागरिकता को लेने के लिए संविधान की तारीख को निश्चित किया गया था, यानी कि संविधान लागू होने से पहले इनके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता थी, इसीलिए इनकी भारत की नागरिकता को खत्म कर दिया गया। अब हम करते हैं अनुच्छेद 10। आर्टिकल 10 बात करता है आपकी नागरिकता के बने रहने की। मतलब क्या है कि आर्टिकल 10 है जो अनुच्छेद 10 है वो आपको देता है आश्वासन किस चीज का, कि आप लोगों के पास अगर भारत की नागरिकता है तो निश्चिंत रहिए, आपकी भारत की नागरिकता को कोई नहीं छीन सकता। परंतु कब तक? वह तब तक नहीं छीन सकता कोई आपकी नागरिकता जब तक आप कोई ऐसा कोई देश विरोधी काम ना कर दें जिसकी वजह से आपके पास आपकी नागरिकता को खतरा पैदा हो जाए। यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, और वो जो कानून है, वो जो नियम है, वो कौन बनाता है? वो बनाता है संसद। यानी कि संसद तय करेगा कि आपने जो काम किया है वो आपकी नागरिकता के खत्म करने के लिए सफिशियंट है या नहीं है। तो ये आपको आश्वासन देता है। दस का मतलब बस का मतलब आश्वासन ही देता है। इसके बाद हम करते हैं अनुच्छेद 11। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 बात करता है कि नागरिकता के संबंध में जितने भी कानून बनाने हैं उनकी सबकी शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। यानी कि नागरिकता लेनी हो, नागरिकता को खत्म करना हो, ये नागरिक के संबंध में कोई भी विषय हो, सबकी शक्तियां अनुच्छेद 11 के तहत भाग 2 में अनुच्छेद 11 में संसद के पास है। और इसी के साथ साथ संसद के पास शक्तियों के साथ ये इसके किसके अंडर में? गृह मंत्रालय। याद रखिएगा, जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है वही नागरिकता के विषयों के संबंध में डील करता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, संसद के पास ही शक्तियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसके पास शक्तियां हैं? संसद के पास, सिर्फ एक सदन के पास नहीं, दोनों सदनों के पास। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं छोटे छोटे जो क्वेश्चन है नागरिकता के संबंध में, सो उनकी बात कर लेते हैं।
आर्टिकल्स खत्म होने के बाद हम कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रमंडल देशों के बारे में। जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी गई थी, परंतु उस प्रावधान को 2003 के अंदर खत्म कर दिया गया। कब? 2003 के अंदर उसको खत्म कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह किसी संवैधानिक पद पर नहीं हो सकता। संवैधानिक पद कैसे? जैसे प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, अटॉर्नी जनरल है यानी कि महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, या प्राइम मिनिस्टर है, उपराष्ट्रपति है, किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर वो नहीं बैठ सकता। और उसके साथ साथ आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, क्योंकि जो एग्जाम है एग्जाम में आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इनको नागरिकता के संबंध में साथ में मिला के दे दिया जाता है, और आपको इनको ध्यान से पढ़ना जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हो जाता है हमारा पार्ट टू खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।